welcome back to my channel with another video, body fitness power. तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला वो होगा अपर बॉडी वर्कआउट. ओके, अपर बॉडी वर्कआउट में दोस्तों क्या क्या होता है, हमारा बाइसेप, ओके, हमारा जो शोल्डर है देख सकते हैं आप, शोल्डर, चेस्ट एंड बैक. ओके, सबको दोस्तों यही चाहिए होता है अपर बॉडी में. ओके, तो दोस्तों मैंने घर पे ही मतलब विदाउट जिम, कोई जिम न जाके मैंने ये बॉडी कैसे अचीव किए, कैसे डेवलप किए, खाली पुशअप्स लगा के, पुलअप्स लगा के, ओके, और जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है उससे मैंने ये बॉडी कैसे अचीव किए वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा. वीडियो पे अगर आप दोस्तों नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल का नाम है बॉडी फिटनेस पावर, नीचे जो लाल बटन है वो दबा दीजिए. ओके, और बाजू की जो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम वीडियो. ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी पुशअप्स वर्कआउट से, क्योंकि अभी कौन सा भी आप दोस्तों वर्कआउट शुरू करते हैं ना, कौन सा भी मतलब पुलअप्स लगाना है, तो आपको स्टार्टिंग करना है पुशअप से. पुशअप से क्या होगा दोस्तों, एक वार्म अप की तरह है, आपकी बॉडी रिलीज हो जाती है. ओके, तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे पुशअप्स. और दोस्तों अगर आपको पुशअप्स लगाना नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है पुशअप्स की, हाउ टू डू अ पुशअप्स, आपको करेक्ट पुशअप्स का फॉर्म क्या है. ओके, पुशअप्स कैसे आपको लगाने हैं अगर आप बिगिन हो तो प्लीज दोस्तों उस लिंक पे क्लिक कीजिए अगर आपको पुशअप्स मारना नहीं आ रहा. ओके, तो दोस्तों अभी मैं लगाने जा रहा हूँ पुशअप्स. अभी मैं पुशअप्स का दोस्तों 12 रेप्स लगाऊंगा. ओके, आप अगर बिगिनर हो तो आप 10 ही लगाइए. ओके, मैं 12 या 15 लगाता हूँ डेली जब मैं वर्कआउट करता हूँ, 12 या 15 लगाता हूँ. ओके, अभी मैं मारूंगा 12 रेप. तो मैंने 12 रेप लगा लिए. ओके, आपको क्या करना है, 10 रेप लगाने. अभी इसके आपको कितना सेट मारना है, ओके, आपका अभी स्टैमिना पे डिपेंड है, आपका कितना स्टैमिना है. अभी मैं इसका 200-300 पुशअप्स मार सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, धीरे धीरे जाना है. ओके, आप देख सकते हैं मैंने 12 पुशअप्स मारे. देखो चेस्ट, कोई दोस्तों जिम के सामान की, कोई मशीन की कुछ जरूरत ही नहीं है. अगर आप सही से वर्कआउट करोगे ना तो आपका बॉडी आपको रिजल्ट देगी. आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो बीच में गैप है, बहुत सारे लोगों के बीच में गैप ही वो ही नहीं आता. ओके, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने स्क्विच किया चेस्ट. ओके, चेस्ट का जो साइड है, साइड चेस्ट है. ओके, आपको दोस्तों ये सही पुशअप से ही आएगा, सही पुशअप मारोगे तभी आएगा. ओके, तो अभी हम जाते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो मैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो पुलअप एक्सरसाइज का. ओके, अभी पुलअप एक्सरसाइज के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है दोस्तों, मैंने बिल्डिंग के जो दरवाजे पर, अभी हम दोस्तों टेरेस पे खड़े हैं हमारे बिल्डिंग के, तो उसके दरवाजे पर ही लटकने के लिए ये है. ओके, तो इसे क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर किसी के मतलब दरवाजे पे ये होता है. तो उससे आपको क्या करना है, ये आपके बैक के लिए भी यूज हो सकता है अच्छा. ओके, आपके शोल्डर के लिए, आपके चेस्ट के लिए. अभी मैं इसका रेप को लगा के दिखाता हूँ, 10 रेप्स मारूंगा दोस्तों इसके. ओके, देख सकते हैं दोस्तों खाली 10 रेप्स लगाया मैंने. बैक को, बैक भी आपको दिखा दो, देखिए. ओके, तो इससे दोस्तों क्या होता है, हमारा जो ये पार्ट है चेस्ट का, ओके, ये साइड चेस्ट का पार्ट है, वो अच्छी तरह से डेवलप होता है. ओके, अभी शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छे पुलअप्स है, ये देखो आप देख सकते हैं. ओके, इसी तरह से दोस्तों मैंने अपनी बॉडी डेवलप की है. मैं कभी जिम नहीं गया दोस्तों, एक ही बार गया था मैं जिम, 10-15 दिन में जिम की थी, बाद में मैंने जिम छोड़ दिया. बाद में मैं घर पे ही वर्कआउट करता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स डेली दोस्तों, ये मेरा रेगुलर वर्कआउट है. आपको क्या करना है, पुलअप्स का 10 रेप्स मारना है.
और अभी मैं इसके कितने सेट मारता हूँ, 5 सेट मारता हूँ, मतलब 50 पुलअप्स मारता हूँ। तो आपको क्या करना है, 10 रेप और 2 ही सेट मारने अगर आप बिगिनर हो। ओके, तो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कआउट पे। ओके दोस्तों, तो अभी पुलअप्स हो गए, अभी मैं मारूंगा चिन अप्स। ओके, अभी मेरे पास दोस्तों, मैं टेरेस पे खड़ा हूँ इसलिए मेरे पास अवेलेबल है सीढ़ी। ओके, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ वर्कआउट कीजिए। मेरे पास अभी सीढ़ी अवेलेबल है, इसके लिए मैं उसके साथ चिन अप्स मारूंगा। अभी चिन अप और वर्कआउट आपको कैसे करना है, कभी दोस्तों चिन अप मारते समय आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा वाइड ग्रिप रखना है, नैरो अंदर नहीं रखना है, वाइड रखना है। ओके, पैर स्ट्रेट और आज से आपकी टाइट होनी चाहिए, पैर सीधा होने चाहिए, फिर आपको ऊपर जाना है सीधा, स्लोली 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 नीचे आना है, झटका नहीं देना है। इसे झटका दोगे तो आपका हैंड है वो इंजरी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, झटका कभी देना नहीं, स्लोली ऊपर जाना है, स्लोली नीचे आना है, देखिए ऐसे, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, डाउन। देखो स्मूथली जा रहा हूँ दोस्तों, देखो आप देख सकते हो दोस्तों कितना बॉडी मेरा पंप हो गया है। खाली मैंने 3 ही वर्कआउट किया अभी, पुशअप्स, पुलअप्स वो वाइड वाला और ये नैरो वाला चिन अप्स। ओके, अब इससे क्या होता है, हमारा शोल्डर है वो स्ट्रांग हो जाता है, आप देख सकते हो। अब घर पे भी दोस्तों, जिनको जिम को मतलब जाने का टाइम ही नहीं, वो क्या कीजिए, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, ओके, और गांव में भी रह रहे हैं, तो जो जो अवेलेबल है ना दोस्तों उसके साथ वर्कआउट करने की ट्राई कीजिए और बॉडी को दोस्तों मेंटेन रखिए। अभी देखो मेरा बॉडी में दोस्तों, मैं कोई किसी कॉम्पिटिशन में तो उतरता नहीं, इतनी भी दोस्तों मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी है। कोई मैं दोस्तों सप्लीमेंट तो लेता ही नहीं, मुझे मालूम नहीं सप्लीमेंट क्या होता है। ओके, घर पर जो डाइट, हाँ दोस्तों, और मैं डाइट पर भी वीडियो बनाऊँगा कि वर्कआउट के बाद आपको क्या क्या खाना चाहिए। ओके, उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो दोस्तों ये है आपके सामने जो मैं घर पे ही बॉडी ऐसे बनाता हूँ, देखो आप देख सकते हो। ओके, अभी मैं बताऊंगा दोस्तों आपको जो बेली फैट है ना वो कम करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे अपर बॉडी में आता है ना बेली फैट, आप देख सकते हो। ये जो बेली फैट है, कमर का ऊपर का हिस्सा, बहुत सारे लोगों को इसका ही प्रॉब्लम होता है कि ये टायर चढ़ जाता है बाद में, बैठ बैठ के टायर चढ़ जाता है, तो उसका अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम कर सकते हो। ओके, तो जाते हैं हम उस एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, तो अभी मैं आपको बेली फैट कम करने के एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरी फिजिक्स पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। ओके, और बाजू का जो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने को मिले। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बेली फैट है वो आप कैसे कम कर सकते हो। अभी आप दोस्त, आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास ना ये पत्थर अवेलेबल है। ओके, मैंने क्या कहा था, जो अवेलेबल है उसके साथ ही आपको वर्कआउट करना है। अभी मेरे पास ये पत्थर अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, पैर ना, पैर आपका ये हवे में रखना है और आपको ये करना है साइड। अब ये तो ईजी हो जाएगा, आप ईजी से कर लोगे, लेकिन अगर आपके हाथ में वेट आएगा ना, तो आपको ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। अब देख सकते हो, अभी मेरे हाथ में वेट आया, तो अभी मैं ये देखो, ये पूरा प्रेशर ना साइड इकड़ू ना, इधर से साइड प्रेशर पे जा रहा है, देखो साइड बेली पे जा रहा है, ये करना है आपको। अब ये मैंने इधर लाया तो प्रेशर इधर आया, इधर लाया इधर का फैट कम हुआ। ओके, तो आपको ऐसे करना है, पर ध्यान रखिए आपको पैर ना हवे में रखना है, आपका पैर हवे में होना चाहिए, कि प्रेशर ना आए, फिर आप नीचे रखोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। आपको पैर हवे में रखना है और फिर ये करना है, इससे क्या होगा, आपका जो साइड का फैट है वो कम होने में आपको मदद मिलेगी। जब तक आपको पेन नहीं होता ना दोस्तों, तब तक आपको ये परफॉर्म करना है। ओके दोस्तों, अब देख सकते हैं मारने के बाद जो आपका ऑब्लिक है, साइड ऑब्लिक है, वो अच्छी तरह से डेवलप होता है और साइड का फैट भी निकलता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पुलिस भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों मैंने घोड़ा फेंक, ओके, सबकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ओके, आपको हाइट बढ़ानी है तो कैसे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उस लिंक पे क्लिक करते करने के बाद आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल बॉडी फिटनेस पावर। जय हिंद दोस्तों।